हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। आज मैंने एकदम अलग से हट कर टॉपिक लिया है। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर तो अपेक्षा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अंदर ऑनलाइन ऑफलाइन एजुकेशन की बात कर रहे थे, पढ़ाने लिखाने की बात कर रहे थे और मैंने कुछ और शुरू कर दिया। मेरे जीवन का उद्देश्य है, मैंने पहले ही कहा है, आप सब जगह पढ़ोगे, मैंने लिख कर रखा है, लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना। सबसे ज़्यादा आज 25 सालों से मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूँ और लोगों को नम्र बना रहा हूँ। मेरा जीवन का 5 उद्देश्य है। पहला, लोगों को अकाउंटेबल बनाना। अकाउंटेबल मतलब जवाबदेह, जवाबदेही। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार बनाना। उसके बाद अवेयर, जागरूक करना। उसके बाद हमारा है हम्बल, नम्र बनाना। और तीसरा, डायनेमिक बनाना, कि किसी भी स्थिति में, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ सब चीज़ वो एडजस्ट कर सके अपने आप को, है ना, अडेप्टेबल जिसको बोलते हैं। डायनेमिक एकदम, जो स्टैटिक नहीं होता, जो डायनेमिक होता है, वो बनाने का। अब ये है टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक। सब लोग इससे परेशान हैं, मैक्सिमम लोग। गेट रिड ऑफ बैक पेन फॉर एवर, मैंने टॉपिक का नाम दिया है गेट रिड ऑफ बैक पेन फॉर एवर, मतलब कमर दर्द से छुटकारा पाएं जिंदगी भर के लिए। ये टॉपिक मैंने इसलिए बनाया है कि मैंने यूट्यूब पर देखा कि बहुत सारी उसमें दवाइयां लिखी हुई हैं, ये दवाई खाओ, वो दवाई खाओ, ये एक्सरसाइज करो, वो एक्सरसाइज करो, फलना ढिमका, बहुत सब चीज है। मुझे भी होता था आज से 10-15 साल पहले, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, गॉड्स ग्रेस और गॉड के ही कृपा से, उनके ही आशीर्वाद ब्लेसिंग से मुझे एक ऐसा उपाय समझ में आया और जो वो उपाय मैं आज 5 सालों से कर रहा हूँ, टचुड है, आज तक मुझे फिर से दोबारा वो चीज़ घूम के मेरे पास वापस नहीं आया है। और आज मैं वो उपाय आप लोगों को बताऊंगा जिससे कि आपको ये जान के हैरानी होगी कि इतना सिंपल उपाय है, आजकल किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। मतलब गेट रिड ऑफ बैक पेन फॉर एवर विदाउट एनी मेडिसिन, ये टॉपिक होना चाहिए मेरा एक्चुअली। इसकी किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। अब इसका उपाय बहुत सिंपल है। सबसे पहला, आपको ईस्ट साइड, है ना, ईस्ट पूरब के साइड आपका पलंग होना चाहिए, सोने का बेड होना चाहिए, जो जहां आप सोते हैं, और आपका सर जो होना चाहिए पूरब की तरफ होना चाहिए। गॉट इट? मान लीजिए मेरा पूरब ये है, तो मेरा सर जो है, मेरा हेड जो है, वो पूरब की तरफ होगा जब हम सोएंगे, और पैर जो होगा वो पश्चिम की तरफ होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि आप लोग सब जानते हैं बैक पेन बहुत सब कारणों से होता है। कोई बोलता है स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम की वजह से होता है, आप बात करते करते अचानक से झुक के कुछ उठा लिया, आपको बैक पेन पकड़ लिया, है ना। डॉक्टर के हिसाब से तो बहुत सब कारणों से बैक पेन होता है। आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होगा तो आपको बैक पेन हो जाएगा। बहुत हाँ बहुत सिंपल है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम तो आपको बैक पेन पकड़ लेगा। बहुत क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है तो आपको बैक पेन पकड़ लेगा। इस सब का छुटकारा का जो मैंने अपने जीवन में देखा है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से, देखिए मुझे भी ये प्रॉब्लम है आज के डेट में, मेरे मस्सा है मेरे चेहरे पे, ये कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है। पिंपल्स जो आते हैं क्या है, ये सब आपका अगर रेगुलर लाइफ स्टाइल आपका सही नहीं है तो आपको चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स मिलेंगे, इस तरह के मस्से मिलेंगे। तो इसको सही करने के लिए जो सबसे पहला चीज़ है, दो चीज़ें जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जीवन में, जो आपको अप्लाई करना है, कि ईस्ट साइड आपको मुंह करके सोना है। मतलब आपका बेड का जो सिरहाना होगा वो ईस्ट की तरफ होगा। आप जब सोएंगे तो आप, जैसे मेरा, मान लीजिए मेरा ईस्ट है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, कि मेरा हेड ईस्ट की तरफ होना चाहिए, मेरा पैर जो होना चाहिए वो वेस्ट की तरफ होना चाहिए, पश्चिम की तरफ होना चाहिए। अब अगर आप ईस्ट की तरफ हेड करके सो रहे हो तो क्या होगा, आप हमेशा आप ध्यान दोगे कि आपको हर हालत में राइट हैंड साइड से ही उठना है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने सुना, राइट, ये मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड साइड से ही आपको उठना है। अगर मैं इस तरह से करूँगा तो नेचुरली मैं जब भी उठूंगा राइट हैंड साइड से ही उठूंगा। और ये आपको किसी कीमत पर नहीं बोलना है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड से किसी कीमत पर नहीं उठना है। जब भी आप सो, उठो, बैठो, हमेशा राइट हैंड साइड, जब भी लेटे हो, उठने की कोशिश करोगे, हमेशा राइट हैंड साइड से उठोगे। क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही है? बैक पेन का एक और कारण होता है जो कि मैं अपने जीवन में देखा है, सुबह उठ के 2 ग्लास ऑफ वाटर पीना जरूरी है, खाली पेट 2 ग्लास ऑफ वाटर। ये आपके बॉडी में जो पानी का संचालन होता है, ये आपके कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। क्योंकि बैक पेन का सबसे बड़ा कारण होता है कॉन्स्टिपेशन, उसको सही करना है। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन अगर रहा तो आपका बैक पेन ये सब करने के बाद भी ठीक नहीं होगा, इसलिए उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। कॉन्स्टिपेशन रहा तो इस तरह के मस्से, पिंपल्स चेहरे पे, धीरे धीरे दाने उन्हें इधर उधर निकलना शुरू हो जाते हैं, वो ठीक होते जाते हैं धीरे धीरे समय से, लेकिन कॉन्स्टिपेशन सबसे बड़ा कारण होता है बैक पेन का।
इसीलिए कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना है तो सबसे पहले पहला आदत क्या डालना है, ईस्ट साइड से जैसे सोना शुरू करोगे ना आपका कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम शुरू ठीक होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, ये दो सब कनेक्टेड है आपस में। फिर राइट हैंड साइड से आप उठना शुरू करोगे, हर हालत में जब भी सो के उठोगे राइट हैंड साइड से उठोगे आप, ये आपको याद रखना, किसी भी कीमत पर लेफ्ट हैंड साइड से नहीं उठना है। आपका सर हमेशा पूरब की तरफ होना चाहिए, पैर हमेशा पश्चिम की तरफ होना चाहिए। जब भी आप उठोगे तब राइट हैंड, और 2 ग्लास ऑफ वाटर आपको रोज पानी सुबह पीना है। और चौथा चीज, पानी कभी भी हमेशा बैठ के पीना है, सिटिंग पोजीशन में, मतलब बैठना है, सिटिंग पोजीशन में ही पानी पीना है, किसी कुर्सी पे बैठ के, पलंग पे बैठ के खड़े खड़े पानी नहीं पीना है, वो कॉन्स्टिपेशन का सबसे बड़ा कारण बनता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट सुझाव सजेशन आपको कोई नहीं देगा, डॉक्टर आपको, मेरे को डॉक्टर सब बड़ा बड़ा दवाई देते थे, हैवी दवाई, 7-7 दिन 10-10 दिन मैंने खाया है, और आप हम लोग ऑफिस भी जाना होता था, दवाई खा के जाते थे, तकलीफ में जाते थे, बैक पेन में जाते थे, कोई छुट्टी नहीं मिलती है इन सब चीज़ों से, 1 दिन छुट्टी मिलती है, 2 दिन छुट्टी मिलती है, रोज रोज छुट्टी नहीं मिलती है आपको। कुछ लोगों का तो बैक पेन की स्थिति इतनी बुरी है कि वो तो बेहोश होकर गिर जाते हैं। हमारे एक रिलेटिव है, उन्होंने एक बार शेयर किया था मेरे साथ, को किसी रेस्टोरेंट में गए थे, रेस्टोरेंट से खाना खा के निकले, बैक पेन था, इतना तेज दर्द हुआ कि वहाँ बेहोश हो गए, वो उनको उठा के हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, उनको इंजेक्शन लगा। ये सब जो रेमेडी है मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये बिना मेडिसिन के है, और ये चारों ही काम फ्री ऑफ कॉस्ट काम है, इसके लिए आपको एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा है। घर में आप ये सब काम कर रहे हो, बहुत सिंपल है, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और जो पांचवा चीज है, अपने वजन के हिसाब से ही कोई सामान को उठाओ, है ना, लिफ्ट एनीथिंग जिसको बोलते हैं ना, उठाना। ऐसा नहीं कि आपका वजन सिर्फ 50 किलो का, आप 100 किलो का चीज उठाने की कोशिश कर रहे हो, एकदम पकड़ लेगा। इन सब चीजों का एकदम ध्यान रखना है आपको हर हालत में। ये 5 रामबाण है बैक पेन को अपने जीवन से हमेशा के लिए दूर करने का। इसमें सबसे पहला तो ये फॉलो करना शुरू करो आज से, किसी भी कीमत पे। आप अपना घर के पलंग के स्ट्रक्चर को एकदम चेंज कर दो, इस साइड में कर दो, अपने सर को एकदम इस साइड में, सबको, बीवी बच्चा जो भी है घर में परिवार, सब लोगों को दो, पूरा बेड का भी स्ट्रक्चर चेंज करो, इस साइड कर दो सबको, सबको एकदम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दो, राइट हैंड से उठना है किसी भी कीमत पे, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड का सबसे ज्यादा भार राइट हैंड पे होता है, इस हैंड से नीचे जाता है वो, इससे जैसे इस पे उठोगे इसमें सबसे ज्यादा ताकत होता है, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कभी कोई दर्द नहीं पकड़ेगा कमर तरफ, गारंटी है मेरी, टच उठ है, गॉड्स ग्रेस है मेरा। 2 ग्लास ऑफ वाटर रोज सुबह एम्प्टी स्टमक पीना है आपको, छोटा ग्लास हो, बड़ा ग्लास हो, पंजाब वाला ग्लास से नहीं, वो बहुत बड़ा ग्लास होता है, वो 3 गिलास के बराबर हो जाता है, नॉर्मल ग्लास से 2 ग्लास ऑफ वाटर पीना है आप लोगों को, ठीक है। सिटिंग पोजिशन में पीना, हमेशा बैठ के पानी पीना, खड़ा होकर पानी नहीं पीना है किसी भी कीमत पे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्रिकेट प्लेयर को देखे है ना, खड़ा होकर पानी पीता क्या हालत हो जाती है, 35-40 साल का खेलने लायक नहीं रहता, एकदम अनफिट हो जाता है। इसका रीजन सबसे बड़ा यही है, कोल्ड ड्रिंक भी लोग खड़े होकर ही पीते हैं, पानी भी खड़े होकर ही पीते हैं, कुछ भी पीते खड़े होकर ही पीते हैं, उनको लगता है कि हम बहुत फिट हैं, बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनको नहीं पता है कि जीवन किस आपाधापी में 35 साल के बाद 40 साल के बाद एक्चुअल पता चलता है कि आप कितने फिट हो, है ना। आज 50 साल हम लोग का हो गया, आज 18 घंटा हम लोग काम करते हैं, एकदम फिट एंड फ्रेश हैं, सिर्फ ओनली बिकॉज ऑफ 3-4 चीज़ों को हमने अपने जीवन में अपनाया है, है ना। ये बहुत सिंपल रूल्स है, सिटिंग पोजीशन हो गया पीना है, आप बता दिया, लिफ्ट जो करोगे कोई भी सामान अपने वजन के हिसाब से ही, अकॉर्डिंग टू योर वेट ही अपना सामान उठाना है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा सामान नहीं उठाना है, तो ये प्रॉब्लम आपका बैक पेन जीवन भर लौट के नहीं आएगा, आपको किसी मेडिसिन को खाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको याद रखना है। अगर मान लीजिए कभी हल्का फुल्का बैक पेन हो गया तो होम्योपैथी मेडिसिन में, होम्योपैथी मेडिसिन का वीडियो देख लो आप लोग, है ना, उसमें मैंने बताया है, मैं बताना शायद भूल गया लगता हूँ कि बैक पेन का उसमें सबसे बेस्ट दवाई है आर्निका, उसमें आर्निका सेकंड नंबर पे है, आर्निका रूटा, है ना, सबसे बेस्ट दवाई है। अगर बैक पेन होता है तो वो दवाई खा लेना आप, अगर बड़े हो तो 200 पावर का लिक्विड में, और आप छोटे बच्चों को हो गया है गलती से तो 30 पावर, ऐसे छोटे बच्चों को बैक पेन जल्दी होता नहीं है, अगर होता है 30 पावर का 2-2 घंटे का अंतराल पर रिपीट करते चले जाओगे, 1 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा गारंटी वारंटी के साथ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को मेरा लॉजिक समझ में आया होगा, अगर लॉजिक पसंद आया तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव नेबर के साथ, सो दैट उनको भी इसका फायदा पहुंच सके। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बिगनिंग।